हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि का नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, थोड़ा सा एक ट्रैवलिंग वाला फेज दिख रहा है, और ये वो फिज़िकल ट्रैवलिंग नहीं है, बट दिस इज़ मोर ऑफ समथिंग जहाँ पे हमें एक जगह पे पहुँचने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। हो सकता है आप किसी अक्वेरियस, जेमिनी या लिब्रा से डील कर रहे हो, सो वहाँ पे थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं, थोड़ा सा एक बर्डन वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ जो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी शार्प माइंडेड है, काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, इस टाइप की किसी पर्सनालिटी के साथ कोई क्लैश हो सकता है, बट यू आर बीइंग आस्क्ड टू वेट एंड वॉच। ओके, कोई एक्शन नहीं लेना है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि वालों के लिए पहली बात तो ये कि कोई कंडीशनिंग को देखने का टाइम आ गया और तोड़ने का टाइम आ गया है। बेसिकली अपनी कोई एक ऐसी बुरी हैबिट या अपनी कोई एक ऐसी चीज़ जो आपकी अभी तक कहीं ना कहीं साथ दे रही थी, क्योंकि आप सर्वाइवल मोड में थे, बट नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू फील ब्लेस्ड, अगर आप चाहते हो कि आप ब्लेस्ड फील करो या आप लक आपके फेवर में हो, देन डेफिनेटली आपको भी उन चीज़ों पर वर्क करना पड़ेगा। ओके, आपको भी वो कंडीशनिंग तोड़नी पड़ेगी, चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। लेट्स सी मिथुन राशि के लिए क्या मैसेज है। सो मिथुन राशि वालों के लिए वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। सो डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड आया है। किसी चीज़ में आप जस्टिस देते हुए दिख रहे हो अपने आप को, बिकॉज आपको अपनी एग्जिस्टेंस रियलाइज हो रही है। प्रॉबेबली हो सकता है ये किसी काम के थ्रू हो, करियर के थ्रू हो, करियर में आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ऐसा लग रहा है कि या तो आपको किसी ने गाइड किया है, या जैसे आप प्लान कर रहे हो अपने करियर को लेके, वो आप एकदम सही पाथ पे हो, तो करियर के लिए इट्स अ बिग ग्रीन फ्लैग। जहाँ पे भी आप हो, जो भी आप कर रहे हो, जिस भी पाथ पे आप जाना चाह रहे हो, सो अपनी एग्जिस्टेंस को आप डेफिनेटली हाईलाइट करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। सो कर्क राशि वालों के लिए वी हैव अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको एडजस्ट करना पड़े कुछ चीज़ों पे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आना पड़े। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पा रहे हो, सामने वाले के नज़रिए को, वे ऑफ वर्किंग को समझ नहीं पा रहे हो, और अब वो टाइम आ गया कि आपको वो अंडरस्टैंडिंग बिठा लेनी चाहिए इस पर्सन के साथ। थोड़े से हो सकता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हो 24 आवर्स में, लेकिन यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि जहाँ पे भी आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे या कहीं पे भी आपको लगता है कि आप सेफ नहीं हो, वहाँ पे यूनिवर्स इज गोइंग टू सेव यू। लेट्स सी लियो के लिए, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो जो सिंह राशि वाले हैं, आई थिंक आप में से कुछ लोग या तो किसी नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, या फिर आप किसी जॉब को लेके, किसी अपॉर्चुनिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा सपने देख रहे हो। ओके, इट्स लाइक नथिंगनेस वाला मुझे एक यहाँ पे फेज दिखाई दे रहा है, जहाँ पे इट्स लाइक आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो। ठीक है, आप पास्ट में काफ़ी क्लिंग करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे रोमांटिकली पास्ट को लेके क्लिंग कर रहे हैं, किसी पर्सन को लेके कि नो कॉन्टैक्ट जोन ख़त्म हो जाए, ये पर्सन आपके पास आ जाए। कुछ लोग अपनी किसी ड्रीम अपॉर्चुनिटी को, जॉब को लेके आप क्लिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, कि ये जो पर्सन है, ये जो जॉब है, ये आपको कब मिलेगी, कब अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप इस पर्सन के साथ कुछ आगे चीज़ों को बढ़ाओ, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ ऑल्सो देयर। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है कन्या राशि। सो कन्या राशि वालों के लिए द रिबेल एंड एम्प्रेस दोनों का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप अपने परफेक्ट मैच के साथ डील कर रहे हो। ओके, आपकी एनर्जी में एक पर्सन है जो आपको पता है कि वो आपके परफेक्ट मैच है, आपको पता है कि यही पर्सन है जिनके साथ आपको अपनी आगे लाइफ को लेके जाना है, यही पर्सन है जिनको आप अपने एज अ लाइफ पार्टनर देखते हो, बट कहीं ना कहीं आप या तो इस पर्सन को लेके लेज़ी हो गए हो, या आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेज़ी हो गए हैं। एंड कुछ लोगों के लिए इट डजंट मैटर कि आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, दिस इज़ ऑल्सो फॉर दोज जो ऑलरेडी मैरिड है। सो देर इज़ अ परफेक्ट मैच, बट एट द सेम टाइम देर इज लेजीनेस फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, टेकिंग समवन फॉर ग्रांटेड, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। लेट्स सी लिब्रा के लिए, यानी कि तुला राशि के लिए क्या मैसेज है।
सो तुला राशि वालों के लिए थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है. आई डू सी कि आप लोग या तो कोई किसी टाइप का कोलैबोरेशन कर रहे हो, कुछ कोलैबोरेशन चाह रहे हो, यू नो, अपने कुछ लोगों के साथ मिलके कुछ कोलैबोरेशन करना. फॉर सम इट कैन बी यू नो सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप या एक मिनी प्रोजेक्ट काइंड ऑफ कुछ ऐसा जहाँ पे सक्सेस भी है बट कुछ पर्सनल रिलेशनशिप्स भी इन्वॉल्व है. तो इधर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की ना थोड़ी इल इंटेंशंस हो सकती हैं, ठीक है, कि पर्सनल रिलेशनशिप को यूज़ करके अपना प्रोफेशनल काम निकालना. सो इधर हो सकता है कि आपसे कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करेगा बट द ओनली मोटिव इज़ गोइंग टू बी दैट सक्सेस वाली चीज़, उनका जो पर्सनल मोटिव है, उनका जो सेल्फिश मोटिव है. ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि. सो वृश्चिक राशि वालों के लिए वी हैव पॉसिबिलिटीज़, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है अबंडेंस से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड. ये जो अपॉर्चुनिटी है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में काफ़ी स्लो आई है, ठीक है, और इसकी जो ग्रोथ होगी वो भी स्लो होगी, लेकिन जब आप इसको एक्सेप्ट करोगे, जब आप इसको लेके रिसेप्टिव रहोगे, इट्स लाइक ये कुछ आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ आती हुई दिख रही है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी या एक ऐसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रहेगी, बट काफ़ी स्लो अप्रोच के साथ आपको इस चीज़ को लेके जाना पड़ेगा. अब ये कुछ लोगों के लिए आपका कुछ पर्सनल मैटर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल अबंडेंस भी हो सकती है, लाइक अ वेरी बिग प्रोजेक्ट और अ बिग अपॉर्चुनिटी कमिंग फॉर यू. लेट्स सी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है. सो धनु राशि वालों के लिए एक अवेयरनेस डेफिनेटली यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, और वो ये है कि आप लोग ना सही जगह पे गिविंग नहीं करते हो, ठीक है, जो गलत जगह है वहाँ पे आप ओवर शेयरिंग करने लग जाओगे, आप ओवर गिविंग करने लग जाओगे, और जो लोग आपके लिए सही है वहाँ उनको आप ब्रेड क्रमिंग करते हो, ठीक है, इतने एफर्ट्स ना डालना, उनके इमोशंस को ध्यान में ना रखना, उनकी फीलिंग्स को ध्यान में ना रखना. एंड कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा किसी पर्सन को लेके काफ़ी अवेकन होता है, काफ़ी ज़्यादा यू नो आपको फील होता है अपने हार्ट में इस पर्सन को लेके, बट देन अगेन आई डू फील दैट यू हैव फियर ऑफ इंटीमेसी. तो आप वल्नरेबल नहीं हो सकते हो जिस पर्सन को आप प्यार करते हो, और जिनको आप प्यार नहीं करते हो वहाँ पर आप कुछ भी कर दोगे, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर which universe wants you to correct it. Let's see Capricorn के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है. सो मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, आपको अपने कुछ प्रोजेक्शंस को लेट गो करने की नीड है. आई ऑल्सो फील कि आप लोग ना हद से ज़्यादा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके डिटैच हो गए हो, किसी रिलेशनशिप को लेके. आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हो, आप कमिटमेंट को लेके एकदम डिटैच्ड हो चुके हो, यू नो आपके अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है कि आप कोई कमिटेड रिलेशनशिप में कुछ करो, एफर्ट्स डालो या कुछ भी ऐसा. एंड हो सकता है कि आप अपनी डिटैचमेंट की वजह से अपनी इस यू नो इशू को आप सामने वाले पे डाल रहे हो या ब्लेम कर रहे हो कि तुम्हें कमिटमेंट इश्यूज हैं, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ. ओके, लेट्स सी अक्वेरियस के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है. सो अक्वेरियस के लिए तो इनर वॉइस का कार्ड आया है. आई डू फील कि आप किसी कोई मैच्योर डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी सिचुएशन को काफ़ी मैच्योरिटी के साथ हैंडल करते हुए दिख रहे हो. ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी पाथ में एक रिस्ट्रिक्शन फील हो, ऐसा लगे कि कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई रोक टोक है या कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, बट आपका जो वे होगा उस ऑब्स्टिकल को हैंडल करने का, उस रिस्ट्रिक्शन को हैंडल करने का, वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होगा और वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर तरीके से होने वाला है. सो देयर इज़ गोइंग टू बी नो फस एट ऑल. लेट्स सी मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है. सो मीन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए अपनी इनर हारमोनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 2 नंबर एंड 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं. 10 ऑल्सो सिग्निफाइज कि अपना इनर वर्ल्ड और अपने आउटर वर्ल्ड में एक हारमोनी ढूंढना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और 3D वर्ल्ड में प्रैक्टिकलिटी में एक बैलेंस ढूंढना. या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हो या आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो, और वहाँ पे एक बैलेंस जब नहीं बैठता तो चीज़ें आपके अगेंस्ट जाने लग जाती है, हे वायर होने लग जाती हैं. तो
दैट इज समथिंग दैट यू आर रियलाइजिंग कि मोमेंट टू मोमेंट आपके लिए वो हारमोनी क्रिएट करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दैट वॉज योर रीडिंग. आई होप इट हेल्प्स. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय, टेक केयर. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें.